स्टार्क स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाएं और नई नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन घंटी को दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड में मच गया है हड़कंप, क्योंकि मैट्रिक रिजल्ट से पहले ही 42,000 कॉपियों गायब हो चुका है दोस्तों। 42,000 कॉपी, ये कैसे हो गया दोस्त? बिहार बोर्ड में क्या हो रहा है? बिहार बोर्ड को शर्म आनी चाहिए कि आखिर ये बिहार बोर्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घोटाला सामने आ रहा है। यहाँ तो कॉपी ही गायब हो जा रहा है दोस्त। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, अगर कॉपी गायब हो गया है तो आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो कैसे बनेगा। हालाँकि खुशी वाली बात ये है दोस्तों कि रिज़ल्ट जो है आप लोग का मार्क जितना आया था वो बोर्ड को भेज दिया गया था कंप्यूटर के माध्यम से चढ़ा के। ये खुशी की बात है दोस्तों। अगर नहीं भेजा रहता अभी तक और कॉपी जो गायब हो गया रहता आप लोगों का, तो सोच सकते हैं आप लोगों को नंबर कैसे मिलता। ये हो रहा है दोस्तों बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड ही ऐसा कर सकता है। रिजल्ट से पहले ही 42,000 कॉपियाँ गायब हो चुका है दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूँ ये गोपालगंज का है दोस्तों। मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाएँ गायब होने की गोपालगंज में FIR दर्ज होते ही बिहार बोर्ड में हड़कंप मचा रहा है दोस्तों। ये मैं आप लोग को बता दूँ, नवादा से यहाँ पे कॉपी अलग अलग जिला में जाता है, तो ये नवादा का कॉपी गोपालगंज गया हुआ था। यहाँ पर दोस्तों कॉपी जैसे मूल्यांकन हो गया, चेक हो गया, तो जैसे स्टोर रूम में उसको रखाया, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये कॉपी तब तक रखा रहता है जब तक आपका रिजल्ट ना निकल जाए। और रिजल्ट निकलने के बाद अगर कोई छात्र RTI के माध्यम से अपना कॉपी मंगवाए तो वो कॉपी अब नहीं दे पाएगा। अब वो कॉपी ही गायब हो चुका है दोस्तों। उसका छानबीन कर रहा है, अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है कि आखिर कॉपी गया तो गया कहाँ। ऐसा ही हुआ था दोस्तों 2016 में इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे टॉपर घोटाला हुआ था। टॉपर के छात्र उसमें मतलब कॉपी गायब करने के बाद वहाँ पर अपना मन से नंबर दे दिया गया था उसमें और टॉपर बना दिया गया था। ऐसा ही शायद इस साल होने वाला था, इसलिए यहाँ से कॉपी गायब हो चुका है। लेकिन बिहार बोर्ड इस पर पहले ही जान चुका है, तो अब ऐसा घटना नहीं आएगा कि टॉपर क्योंकि उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसका कॉपी तो पहले ही आ चुका है। ये दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 20 जून को घोषित की है रिजल्ट जारी करने की तिथि, लेकिन बोर्ड अधिकारियों ने साधी चुप्पी, इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आखिर कैसे हुआ बिहार बोर्ड में ये कॉपी ही गायब हो जा रहा है और गोपालगंज में कॉपियों की छानबीन जारी है। मैं आप लोग को बता दूँ, 213 बंडल था दोस्तों, उसमें एडवांस मैथ की 61 और अर्थशास्त्र की 44 कॉपियाँ भी नहीं मिल रही है। उसके साथ 67 कर्मी भेजे गए थे जिलों में उसकी जांच करने के लिए दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं यहां पर कि 2 मेघावी छात्रों की 3 कॉपी नहीं मिली, यानी जो 400 से अंक ज़्यादा हासिल किए हैं उसका भी कॉपी नहीं मिल रहा है। गणित की 2 और सामाजिक विज्ञान की 1 कॉपी नहीं मिली है अभी तक, तो उसका वेरिफिकेशन जो वो कैसे किया जाएगा अभी तक वो बिहार बोर्ड नहीं सोच पाया है। तो मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों यहाँ पर कि गोपालगंज से मैट्रिक की जो है 42,000 कॉपियाँ गायब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप लोग जान गए होंगे दोस्तों ये कॉपी जो है वो गायब होने से कितना दिक्कत होगा बिहार बोर्ड में। अगर कोई छात्र मंगाना चाहेगा, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा, तो कैसे वो कॉपी अपना सामने मंगा पाएगा, बिहार बोर्ड नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मैं चलिए दिखा देता हूँ पढ़ के क्या लिखा हुआ। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट निकलने से पहले 42,000 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ गायब होने का मामला सामने आया है। गोपालगंज के SS गर्ल्स +2 मूल्यांकन केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम से मैट्रिक की 213 बैग बंडल उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गई है। जांच के बाद ये उत्तर पुस्तिकाएं स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी। इस संबंध में स्कूल प्राचार्य सह केंद्र अधीक्षक प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने स्कूल के आदेश पाल व रात्रि प्रहरी मतलब रात में जो गार्ड होता है चिक रहने वाले, उसके खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। एक बैग में कम से कम 200 उत्तर पुस्तिकाएं रहती है दोस्तों, यानी कुल 42,600 उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिल रही। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये प्रचार ने बताया कि जांच के बाद 5 अप्रैल को उत्तर पुस्तिकाएं स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई थी, यानी 5 अप्रैल को आपका कॉपी गोपालगंज में चेक हो गया था। जैसे ही होता है वो स्टोर रूम में चला जाता है रखने को, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और उसका जब तक रिजल्ट मतलब आ ना जाए और स्टूडेंट्स जो है अपना कॉलेज में नाम लिखा नहीं ले, तब तक ये कॉपी वहाँ ही रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों ये बिहार बोर्ड में क्या क्या हो रहा है। और रिजल्ट जो है आप लोगों को आने वाला है कल 20 जून को। पता नहीं कैसे जारी करेगा भी या नहीं जारी करेगा, आज शाम में पता चल जाएगा दोस्तों। और उसका समय भी आ जाएगा किस समय को घोषित होगा।
तो मैं आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो पर बने रहना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का नया न्यूज़ हमेशा देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।